मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। सुना है शहर में लोग सांस बाद में लेते हैं, टोनी का टैक्स पहले चुकाते हैं। सुना है ना, गली का कुत्ता भी दो हड्डी चुराता है तो एक हड्डी खुद खाता है, दूसरी टोनी के फंड में जमा कर डालता है। और तूने एक हफ्ते से टोनी की टोपी में कोई टैक्स नहीं डाला। टोनी साहब, मेरा माल पकड़ा गया। जिनका माल पकड़ा जाता है उनकी मौत उनकी जिंदगी को पकड़ लेती है। टोनी साहब, ये रहा माल, ये हफ्ते का और अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते का? यू मीन एडवांस? वक्त का क्या भरोसा, माल को कुछ हो जाए पुलिस से तो बच जाएंगे, लेकिन टोनी की गोली के कानून से कौन बच पाएगा। सुना तुमने टोनी की गोली के कानून से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। टोनी साहब, इसे क्यों मार दिया? इसलिए कि ये साला मुझे कुछ ज्यादा ही समझने लगा था, समझा तू? हाँ। टोनी भाई, ये रहे वो डायमंड, वो हीरे जिनका तुम्हें बरसों पहले इंतजार था। डायमंड, हीरे, हीरे, यही तो है वो हीरे जिन्हें पाने के लिए मैं 10 जन्म का इंतजार कर सकता हूँ। इन्हें सिर्फ छूने के लिए मेरे मेरे पीआईपी के हीरे, मेरे मेरे भरत भाई के हीरे, हीरे हीरे हीरे, मैंने एक बार छू लेना चाहता हूँ। इन्हें छू लेने दो मुझे छू लेने दो हीरे, हीरे। उठिए ना मेरे भरत भाई के हीरे। चाचू उठिए, सुबह हो गई। क्या यार, जब भी मैं कोई अच्छा सपना देख रहा हूँ तो तू मुझे उठा डालता है। अभी मैं हीरे के पास पहुँचने वाला था, तू मुझे हीरे तो पहुँचने नहीं देता यार। क्या चाचू, आप 6 महीने से लगातार एक ही सपना देखते आ रहे हैं। तुझे कैसे मालूम मैं एक ही सपना देखता हूँ? तू क्या मेरे सपने में खड़ा रहता है क्या? सपने में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, यही बाहर से आपकी डायलॉग बाजी से और इन हरकतों से सब कुछ पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? अरे, दो को तो गोली मार दी और एक का तो गला ही काट दिया। अबे लेकिन तू मुझे हीरो तक पहुंचने दिया कर। साला मैं पहुंच रहा होता हूँ चमकते हीरो के पास, इतने में तू अपना काला थोपड़ा लेकर मेरे सामने खड़ा हो जाता। गोपी, अरे ओ कुमकान की औलाद, तू उठा या नहीं? भाभी, भाभी मेरी माँ। अरे पैर छूने के बहाने हाथ पोछता है। अरे पिल्ले, तू बाथरूम गया कि नहीं? जा बाथरूम जा, स्कूल जाना है। अरे शर्म कर गोपी, शर्म कर। शर्म क्यों करूँ, चड्डी पहनी है ना मैंने, आप चड्डी। अरे मैं तुझे कह रही हूँ, घर का बोझ उठाने के लिए अपने भैया का साथ देख, सांग की तरह फैल रहा है। तुझे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट बनाया ताकि कोई अच्छी नौकरी कर लेगा, उसके बजाय नाटक के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है नालायक। एक बात बताओ भाभी, तुम्हारे पति की 20 महीने की पगार एक तरफ और मेरे नाटक की पब्लिक की तालियों की गड़गड़ाहट एक तरफ। आहा, जब पब्लिक ताली बजाती है ना तो दिल और आत्मा दोनों का पेट भर जाता है। फिर बकवास लगा। अरे क्यों मेरे भाई की गाड़ी के कांच पर वाइपर घुमा रही हो? तो फिर बीच में बोले
मैं जब तभी इसे अकल की बात सिखाती हूँ तो तुम बीच में आकर इसकी तरफदारी करके सारी बातों का रुख मोड़ देते हो। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन दिन में 3 बार बॉनेट खोल टायर तोड़, बॉनेट खोल टायर तोड़। अरे मेरा भाई 98 की मर्सिडीज है, तुम्हारी तरह डिकी का मॉडल नहीं है। चुप करो। अरे बाप रे। एक गोपी, पहले ये बता तू सीधी तरह से काम कब शुरू करेगा? एक बार बता भाभी, अगर बुरा ना मानो तो। बुरा ना मानो तो बता बता। ये भैया दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, क्या कमाई है इनकी? बताओ अपने भाई को। 2500। 2500 घर का खर्चा 4000 है ना, फिर भी 1500 रुपए कम पड़ते है ना, क्या फायदा इसे मेहनत करने का? तो 1500 रुपए का खर्च तो अपने सर पे ले लेना, इस बहाने हमारे दिमाग से पूरा बोझ उतर जाएगा, क्यों जी? हाँ बराबर है। मैं 1500 करोड़ रुपए कमाने की सोच रहा हूँ, मेरी भाभी मुझे 1500 रुपए में क्यों अटका रही है? एक बार मुझे इस देश का स्टार तो बनने दो। अरे उस दिन मेरा भाई इस फिल्म इंडस्ट्री के गैरेज का सबसे बड़ा मैकेनिक बनेगा। हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी में से 99 करोड़ की जनता दिन रात यही सपने देखा करती है। लेकिन एक का सपना तो पूरा होता है ना? और वो मेरा भाई होगा। शट अप, चुप रहिए आप, बहुत बीच में बोलते हैं। अब मैं शॉर्टकट में बात करूंगी। आज जनवरी की 1 तारीख है, जून की 30 तारीख तक अगर तुम एक्टर बन गए तो करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, हजारों भी लाओगे तो तुम जीत गए, वरना तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। अल्बर्ट वेल्डर के गैरेज में तुम्हें वेल्डिंग का काम सीखना होगा। वेल्डर बनोगे। क्या ये फिल्म इंडस्ट्री के व्यायाम की तरह भाभी भड़कती रहती है? पुराना मॉडल है 56 का। लेकिन एक बात अच्छी होगी यार, अगर इसने मेरी तार काट दी ना तो तू सोल्डर कर देना मेरे वेल्डर भाई। चल जल्दी कर, बाइक निकाल, मुझे जाना है। भैया आपको क्या लगता है, भाभी सुधरेगी कि नहीं? अरे व्याम कभी हीरोइन बन सकती है? नहीं मेरे को भी नहीं लगता है, ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ रहा हूँ। भैया इतनी देरी होगी, मालिक डटेगा तो नहीं? अरे मेरा मालिक मर्सिडीज बेंज जैसा है, सिर्फ उसका हॉर्न नहीं बचता। क्या मतलब? गुंगा है। ओह बहुत शरीफ है, कभी गुस्सा नहीं करता। चल गाड़ी लगा दे। भैया मेरा फिर शो है, मैं जरा गाड़ी ले जाऊँ, क्या स्टाइल बन जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रख, तेरी जिंदगी का लाइसेंस अभी तक कच्चा है, किसी लड़की को पीछे मत बिठाना, नहीं तो मेरे हाथ का वाइपर तेरे गाल पर चढ़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। मालिक कह रहे हैं कि इतना समय हो गया आपको, मगर आप लेट नहीं होते। हाँ इसलिए तो इस 57 के पुराने मॉडल को आपने 98 के एयर कंडीशन गैरेज में रखा हुआ है। महाराज ये केस आप मेरे हाथ में दे दीजिए। महाराज साधु साधु शांत हो जा बालक, बात बात पे खड़ा होना अच्छी बात नहीं, बैठ जा। महाराज क्यों बे, तू देखने में तो शरीफ लगता है, खड़ा भी ढंग से है, रात को घर क्यों नहीं आता? मैं क्या बताऊं महाराज, मेरा काम रात को ही शुरू होता है। ओह तब तो कोई चोर या डाकू मालूम पड़ता है बे। महाराज आप तो अंतर्यामी हैं महाराज, जिसने मुझे पहचान लिया कि मैं डकैत हूं। अगर हमें किसी का नाम पता, वेशभूषा और उसकी दिनचर्या के बारे में पता लग जाए
तो हमें सब मालूम पड़ जाता है। जैसे हमारी अंतरात्मा ये चिंगाड़ चिंगाड़ कर कह रही है कि ये व्यक्ति कोई पुलिस वाला ही होना चाहिए। महाराज 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 महाराज, अरे रुको, अरे रुको, कौन कौन, ये आवाज कहां से आई? यहां से है। तुम लोग यहां इस वक्त क्यों, किस लिए? हमारा एक अर्जेंट फैक्स आया है। फैक्स? रिलैक्स, मैं तुम लोगों को एक घंटे बाद भगवान बजरंगबली के रूप में मिलूंगा। नहीं गुरुदेव, आपने देर की तो बहुत देर हो जाएगी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप इसी वक्त हमारे साथ चलेंगे। तो चलो, बम बम हट चल। बम सर, ये हमारे दादाजी किधर है? मैं कमिंग सर। यू आर ऑलरेडी इन। नो, लेट मी एंटर प्रॉपरली। सर, मेरा नाम मेजर बड़ी दाढ़ी वाला है। ये दोनों नालायक जो हैं, ये मेरे पोते हैं। लेकिन आप इतना हिल क्यों रहे हैं? इसलिए कि मैं इनकी हरकतों से हिला हुआ हूँ। ये आपकी दाढ़ी इतनी लंबी कैसे? ये मेरी दाढ़ी नहीं है, ये मेरे खानदान की परंपरा। सर, ये तो कुछ भी नहीं है, इनका जो दाढ़ी थी उनका एक हाथ इतना लंबा था। सर, मैं वो क्या, कि लोग कहते थे कि उनके हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे थे, और वो कहीं जाते थे तो उनसे पहले उनका हाथ आता था। सर, और उनके डैडी प्रिंसिपल साहब यानी कि मेरे पर दादाजी, उनकी टांग इतनी लंबी थी। वो जिस काम में अपनी टांग अड़ा देते थे काम खराब हो जाता। कितने समझदार है जी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दादाजी के पिताजी के पिताजी के जो दादाजी थे। हाँ, समझ गया समझ गया। आपके खानदान में सबका कुछ न कुछ बड़ा होता है। लेकिन जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरी दादी बड़ी नाराज हो गई। क्यों? इसलिए कि मेरा कुछ भी बड़ा नहीं था। जिस दिन मेरी दाढ़ी का पहला बाल आया, मैंने उसी दिन कसम खाई कि मैं अपनी दाढ़ी से अपने खानदान की परंपरा को निभाऊंगा। इसीलिए आज ये 20-22 गज की चीज आपके हाथ में है। देखिए, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ज्यादा झुक तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी दाढ़ी से आपके पांव छूऊंगा। मेरे नालायक पोतों को कॉलेज में दोबारा रख लीजिए। ठीक है ठीक है। ये मैं ये देखो, तुम्हारे दादाजी की शक्ल देखकर तुम दोनों का एडमिशन देता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन एक साल के अंदर तुम्हारे खानदान की परंपरा के मुताबिक कुछ न कुछ मुझे बड़ा कर दिखाओ। सर, हम आपको जबान देते। जबान के साथ जबड़ा भी देते। अब बताइए, ये मासूम बच्चे, इससे ज्यादा आपको और क्या दे सकते हैं? अच्छा, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेते जाइए। ये तो अपने आप पीछे है जी। संभाल के कमीनो, मेरी दाढ़ी पे पाँव मत रख देना। मैं क्यों हिल रहा हूँ? क्या है रे, इधर आओ पोटियो। बेगैरत, बेशरम, बेहया, अरे क्या तुम्हारी आंखों का पानी इतना मर गया कि ऐसे लुच्चे लफंगे आवारा नाकारा लड़कों के साथ फटपटी में चिपक को बैठकर सड़क पर खाना खा रहे? अंकल वो क्या है? नहीं क्या? मैं तुम्हारे संगत बाता नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भतीजियों को संगत बाता कर रहा हूँ। अरे क्या है रे, बहुत हो चुकी है बदमाशी। अभी कल ही तुम लोग जफराबाद रवाना हो जाओ, इस शहर में मैं तुम लोगों को एक सेकंड रहने नहीं दूंगा। और क्या है रे, तुम लोग क्या समझ के मेरी भतीजियों के साथ पीने बढ़ा रहे हैं? हलवा है, मुफ्त का जलवा है, एक एक क्लास में 8-8 बार फेल होते, जिंदगी में क्या करने का इरादा है? बीवी को 8-8 साल भूखा मारेंगे। दोबारा मेरी भतीजियों की तरफ देखा तो आंखों मूलियां डाल को गोटियां निकाल लेता मैं। मगर राय साहब, ऐसे क्या भिखारियों की तरह हकाल कर निकाल रहे हो? हम कोई भिख मंगे फकीर नहीं है। क्या बोला? किसी के चंदे पर नहीं पड़ रहे, अपने कर्नल चाचा के खर्चे पर पड़ रहा हूँ और उनकी दौलत पर ऐश कर रहा हूँ। तो फिर हम एक क्लास में 8 साल निकाले या 80 साल, इसमें आपको क्या? अंकल, मैं भी कोई छोटे बड़े खानदान का नहीं हूँ, खानदानी हूँ। एक मिनट, ये हाथ कहाँ रखा तेरे बाप का? कंधा है। ब्लू ब्लड है हमारे रजवाड़े खानदान में,
और मेरी मौसी महारानी ऑफ कांदापुर। अगर आपने मेरे महल को देख लिया ना तो आपकी छोटे से आंखें बाहर निकलकर इतनी बड़ी हो जाएंगी। अगर आपने गलती से मेरे महल की ऊंचाई को देख लिया ना तो आपकी ये सफेद टोपी नीचे गिरकर एकदम काली हो जाएगी। जितना आपका ये गार्डन है ना गार्डन, उतना मेरा बाथरूम है। हा? और जहाँ आप खड़े ना वहाँ मेरा कम्बोट है। कहाँ है? यहाँ नहीं, मेरे बाथरूम में। हा? और राय साहब, आप भयंकर की आंटी इतनी अमीर है कि उनका बावर्ची आपको नौकर रख सकता है। क्या बात आ कर, इतने पैसे वाले लोग आए हो, मान लो मेरे को बेवकूफ बना रहे। चलो शंकर, अभी बताता हूँ तुमको, मेरे को बावर्ची बना रहे। अबे ये बुड्ढा तो भड़क कर चला गया। अबे जाने दे बुड्ढे को, आने दे मेरी आंटी को। इसकी अकड़ी हुई गर्दन को मुर्गी की तरह मरोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी अभयंकर नहीं है। अबे भयंकर, जल्दी बुला अपनी आंटी को, वरना हमारी जिंदगी में शादी की शनाई कभी नहीं बजेगी। अरे बजेगी। रामदास जी, बेटी की शादी मुबारक हो। ये क्या कह रहे हैं? मालिक कह रहे हैं कि आपने जो यहाँ आके हमारा सम्मान बढ़ाया है, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अरे दोस्त की बेटी अपनी बेटी होती है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आइए। हाँ। अरे यार रामनाथन, यार तेरी खुशी को देख के खुशी तो बहुत होती है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि तू अपनी खुशी का इजहार करने के लिए दो शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकता। जैसी ऊपर वाले की मर्जी, हम तो उसी के गुलाम हैं। ठीक है, पधारिए। आओ डायरेक्टर साहब, मैं जब भी इसे देखता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार अपनी अगली पिक्चर में एक कैरेक्टर ऐसा जरूर डालना, हीरोइन का बाप गूंगा। संध्या ऊपर है। संध्या। अरे गुड्डी, अरे ये मेला निपटना, बाद में शादी का समय निकला जा रहा है, चलो जल्दी से तैयार करो। अरे बड़ी आई तुम लोग तैयार करने वाली, इसे तैयार करने और सजाने का काम मेरा है। चलो चलो तुम लोग बाहर निकलो, मैं इसे दो मिनट में तैयार करती हूँ। चलो बाहर चलती है, ये दो मिनट में तैयार करेगी। मेरा मन करता है तुझे उठाकर नीचे फेंक दूँ। तू इस खच्चर से शादी करना चाहती है? ये साला एक नंबर का चालू, कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलने वाला। मैं क्या करूं? डैडी ने अंदर ही अंदर दो दिन में ही शादी अरेंज कर ली, मेहमानों को दावत भी दे दी, लोगों को बुला भी लिया, और मुझे बताया भी नहीं। मैंने जब पूछा तो मुझे कहते ऐसे अच्छा लड़का तुझे मिलेगा ही नहीं, शादी कर ले। ठीकता है तेरा बाप, ये शुभ घड़ी तेरी शादी की हो ही नहीं सकती। याद है जब हम महाबलेश्वर गए थे तो उस पहुंचे हुए जोशी ने क्या कहा था? हाँ, आखिर मेरा प्रिंस चार्मिंग होगा कैसा? बहुत बड़ा कलाकार होगा, इतना बड़ा कलाकार होगा कि दुनिया के लिए बेकार होगा। जी? मेरा मतलब है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग इतना बड़ा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े लोग उसके लिए बहुत छोटे साबित होंगे। फिर जिंदगी के किसी खूबसूरत मोड़ पर तुम्हारी उससे टक्कर होगी। ओ। उसका नाम आर से शुरू होगा, बल्कि उसका नाम होगा रंजीत, रंजीत टाइगर। रंजीत सैगल। रंजीत सैगल, लेकिन मैं उसे कहाँ तलाश करूंगी? उसे तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी न किसी मोड़ पर वो जरूर तुझसे टकराएगा, वही तेरा सब कुछ होगा। चल चल तू जल्दी कर, भाग जा इधर से। मैं गुडी, मैं भागू? हाँ हाँ तू भाग गुडी, मैं भागू? मैं कह रही हूँ ना तू भाग, जल्दी कर गुडी, मैं भाग जाऊ? हाँ हाँ भाग जा, देर हो रही है। अच्छा रंजीत सैगल, हियर आई कम। मेरे प्यारे डैडी, मैं गौरव से शादी नहीं कर सकती, मेरे सपनों का राजकुमार कोई और ही है, मुझे यकीन है वो मुझे जरूर मिलेगा। उसकी तलाश में मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, हो सके तो अपनी इस लाडली बेटी को नादान समझकर माफ कर दीजिएगा, आपकी बेटी संध्या।
गोपी उठ। हाँ। मंजिल आ गई तेरी। मुंबई आ गई। आग लगा दूंगा। थैंक यू। सबको मिलेगा ऑटोग्राफ। प्लीज जरा जेंट्स की चढ़ जाइए, लेडीजों को आगे आने दीजिए। देखिए नाराज मत होइए, मैं सबको ऑटोग्राफ दूंगा। हेलो बेबी, उंगलों के रंग से, दिल के कलम से। अरे भाई साहब, ये क्या किया? ऑटोग्राफ है, दिखता नहीं है क्या? अरे तू स्टार है क्या? स्टार नहीं तो क्या, होने वाला स्टार तो है ना। जा एडवांस में ऑटोग्राफ दिया है, आज जाकर कल याद करेगा। क्या जलू आदमी है यार। बालीचरण, विश्वनाथ, जीरो, चल नायक, भरत शत्रुघ्न और चार मूर्ति के डायरेक्टर, डायरेक्टर परेशान, हाय हाय प्रोडक्शन। माय डियर, वैसे तो मैं एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ, मेरी स्टोरी का पता नहीं है, फाइनेंस का ठिकाना नहीं है, हीरो डेट नहीं दे रहा है, हीरोइन कह रही है कि मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। अरे मेरी जगह पे कैसे आके चलो उधर। सॉरी सर। माय डियर, अगर सीनियर आर्टिस्ट बनना है तो पहले जूनियर आर्टिस्ट बनो, एसोसिएशन के मेंबर बनो, पैसा खर्च करो 10,000 रुपए और जल्दी से मेरे फ्रेम से बाहर हो जाओ। गेट आउट। ठीक है सर, मैं जा रहा, मगर ये आप नहीं, ये आपका घमंड बोल रहा है। आप बहुत जल्दी भूल गए सर कि आप भी इसी तरह किसी के ऑफिस में काम मांगने के लिए गए थे, और याद कीजिए वो दिन जब आपको भी इसी तरह धुतकार कर निकाल दिया गया था, अपमान हुआ था आपका भी। ये आप लोग जो पिक्चर बनाते हैं उसमें आप लोग गरीबों की इतनी तरफदारी करते हैं कि इस देश के गरीब की आंखों में एक आंसू नहीं होगा, सोने की फसलें होगा करेंगी और उन फसलों को काट काट कर गरीब जो है रुपयों की सेज पर सोया करेगा। हाँ? दुनिया भर के सपने दिखाते हैं और गरीबों को थिएटरों में ठूस डालते हैं, उनके उनके रुपयों से जिनसे वो टिकट खरीदते हैं उनसे पैसा कमा कमा कर आप लोग अपनी फैशन और आराम के सामान खरीदते हैं, और वही गरीब जब आपसे मदद मांगने के लिए आपके ऑफिस में आता है तो उसे आप कहते हैं गेट आउट। मैं भी हालात का मारा हुआ एक गरीब हूं, ये मैं नहीं पूरा भारत देश बोल रहा है कि पेट में खाने को रोटी नहीं है फिर भी जिए जा रहे हैं, इसलिए कि उठा कर ले जाने के लिए आज साला मौत के पास भी वक्त नहीं है। मेरे पिता जैसे भाई हैं, मां जैसी भाभी है, बच्चों जैसे मेरे भतीजे हैं, रोज शाम को अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाए बैठे रहते हैं कि गोपी आएगा तो घर का चूल्हा जलेगा, मगर आप जैसे लोग इस देश में हैं तब तक हम जैसे गरीबों का चूल्हा कैसे जल सकता है। आज पता लगा कि ये दुनिया झूठ के पहियों पर चलने वाली वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल की जगह गरीबों के अरमान जलते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि शहर की बरसात का, नेता की बात का और प्रोड्यूसर की जात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब झूठ बेचते हैं, फरेब के सौदे करते हैं आप लोग। ठीक है भैया, हम लोग गरीब आदमी है, गरीब पैदा हुए हैं, गरीबी की कीड़े हैं, गरीबी में मर जाएंगे, तो अगर बाहर जाके मैं हर गरीब से ये जरूर कहूंगा कि इस दुनिया में कभी किसी का विश्वास मत करना, क्योंकि विश्वास वादे की दलदल की जमीन पर खड़ी धुएं की वो दीवार है जिसमें ना तो कोई इंसान रह सकता है और ना ही कोई सच्चाई की कील ठोक सकता है। नमस्कार। माय डियर, वैसे तो मैं एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूं, मेरी स्टोरी का पता नहीं, मेरे फाइनेंस का ठिकाना नहीं, हीरो डेट नहीं दे रहा है, हीरोइन कहती है मैं पूरे कपड़े पहनूंगी, बट माय डियर आज तेरे सच्चाई के चाकू ने मेरे दिल पे वार करके मेरे दिमाग को हिला डाला है। जिस तरह की एक्टिंग तूने मेरे ऑफिस में आज घूम घूम के की है ना, इसकी 50% एक्टिंग तू अगर कैमरे के सामने कर दे तो तू स्टार, स्टार क्या, सुपर स्टार क्या, मेगा स्टार बन जाएगा, मेगा स्टार, सबसे महंगा। सर मैं एक्टिंग ही तो कर रहा था। सर, सर, झूठ के बाजार में झूठ ही बिकता है। सर सर मैं जितना बोल रहा था वो डायलॉग थे और जितना कर रहा था वो सब एक्टिंग थी। सर परेशान जी, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे आपने मुझे आज ब्रेक दिया है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? माय डियर, मैंने तुम्हें ब्रेक तो दिया है पर इतना ख्याल रहे कि मेरे करियर पे ब्रेक ना लगे, रीटेक मत देना।
डॉग बहुत कम है, फ्रेंकली कहूँ तो ना के बराबर है। डायरेक्टर साहब काम करना है या नहीं करना? हीरो नाराज हो रहा है, हीरो नाराज हो रहा है। आइए आइए। खड़ी बैठो, खड़ी बैठो। साउंड शुरू। स्टार्टेड। कैमरा चालू। ठीक से बोलना। हाँ मुझे दूसरी शूटिंग में जाना है। जी सर। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बाबा दे दे। अबे ओए मुस्टंडे, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? ऊपर वाले ने हाथ फैलाने के लिए नहीं बल्कि दूसरे के हाथ में कुछ चपकाने के लिए दिए। इस देश की मिट्टी हीरा है और इस हीरा से हीरो पैदा होता है, और तुम इस हीरो को जीरो बना रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि थू है तुम्हारी जवानी पर। ए घटिया इंसान, याद रखना मेरी एक बात, भीख मांगने से आदमी जलील और जार होता है, और निकल जाए जिस फूल से खुशबू वो फूल बेकार होता है। अरे हाँ, तू है, तेरा खानदान है, तेरा बाप है, तेरी फैमिली है। हट हट हट। अरे कट इट नहीं, यहाँ सुनिए, आप किस उल्लू के पट्टे को आप पकड़ के लाए थे? अपनी तरफ से डायलॉग ऐड करके मुझे हजार गालियां देकर चला गया। ये एक शॉट के लिए आया था, मेरा पूरा सत्यानाश कर दिया इसने, मेरा पूरा मार्केट खराब कर दिया। माय डियर, मैं खुद एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ, मेरी कहानी का पता नहीं, मेरे फाइनेंस का ठिकाना नहीं, हीरो डेट नहीं दे रहा, हीरोइन कहती है मैं पूरे कपड़े पहनूंगी, ऊपर से मेरी ये गाड़ी लेके चला गया। शायद उसने आपका कट नहीं सुना होगा। भाई मैंने तो ठीक तरह कट बोला था। अगली बार आप मेरी डेट के लिए आइएगा, देखता हूँ डेट कौन देता है। राजू प्लीज, प्लीज गाड़ी निकालो। राजू प्लीज, कट इट। इस होटल में भी नहीं मिला, अब कितनी धूप है। होटल सन एंड सैन ऑफ रॉय हॉलिडे इन सेंटर, हियर आई कम। Excuse me. आप रंजीत सैगल को ढूंढ रही हैं ना? अच्छी है। कहा था मेरे सपनों का राजकुमार प्रिंस होगा, अरे कहीं नहीं मिला मुझे। हाय रंजीत। मैंने हाय किशोर। रंजीत, 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 अरे रोको रंजीत। अरे कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अरे ये तो मेरी हीरोइन है। क्या? जी हाँ, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अरे चोट गई चंदू में, मेरा वो रंजीत सैगल, मेरा प्रिंस चार्मिंग चला गया। कौन है आपका प्रिंस चार्मिंग? अरे वही जिसके लिए मैंने घर छोड़ा था। आपने किसी उल्लू के पट्टे के लिए अपना घर छोड़ दिया? शट अप, तभी से बात कीजिए। उनकी तो मेरे साथ कुंडली जमी हुई है, जिस दिन वो मेरी जिंदगी में आएंगे मेरी तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन आप उसे पहचानेंगे कैसे? उन्होंने कहा था कि किसी भी मोड़ पे हम दोनों की टक्कर हो जाएगी। टक्कर? हाँ टक्कर तो हो गई। अरे कहाँ हुई? हुई ना मेरे साथ। अरे वो तो आपके साथ हुई, वो तो रंजीत सैगल के साथ होनी जरूरी थी। अरे मैं ही तो हूँ आपका रंजीत सैगल प्रिंस चार्मिंग। क्या कहा? आपका नाम रंजीत सैगल है? जी हाँ, मैं हूँ रंजीत सैगल। पिताजी का नाम मंजीत सैगल, दादाजी का धनजीत सैगल, केएल सैगल, बाबा सैगल, सुमित सैगल, सैगल ही सैगल। अच्छा। यूँ समझ लीजिए कि सैगल खानदान की कुर्सी का आखिर। चलिए रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। अब देखिए ना, हमारे राजमहल में रोज राजकुमारियों की परेड होती है। परेड? हाँ, हमें खुश करने के लिए। एक राजकुमारी तो सर से पांव तक हीरे जवाहरात के कपड़ों में लदकर खड़ी खड़ी आई। दूसरी राजकुमारी 500 किलो के सोने की डोली में बैठकर आई। और तीसरी राजकुमारी 100 करोड़ के नोटों का गदेला बनाकर उस पर लेट कर आई। मगर हमारे दिल को कोई नहीं भाई, क्योंकि हम जानते थे हमारा दिल चुराने वाली कोई और ही होगी। चोरी स्टार्ट हो चुकी है पुलिस। जी? हाँ, पुलिस कमिश्नर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनको एक मिनट फोन करके ये गाड़ी क्यों उठाई जा रही है? कोई प्रॉब्लम है? मतलब पार्किंग वार्किंग कुछ रॉन्ग हो गई क्या? नहीं, ये गाड़ी चोरी की है। मर गए। आप लोग चोर को पकड़ते क्यों नहीं है? अरे भाई मिलेगा तो हम उसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। मिलेगा तब ना, मेरा मतलब उसको मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि उसको सिर्फ मैंने देखा है, आपने नहीं। अच्छी मुच्ची, सर से टकला, आंख से कहना, हाथ से लूला और पाँव से लंगड़ा था। अच्छा,
वो दिखने में कैसा लगता था? बस आपकी तरह नॉर्मल ना? मेरी तरह? थैंक यू वेरी मच, मुझे यही इंक्वायरी करनी थी। ये तो मेरा फर्ज था, वो यहाँ गया था सर। अरे अगेन थैंक यू। चलो भाई चलो। हाँ चलो भाई चलो, उठाओ इज्जत। बड़े बड़े लोगों के साथ खाना, तेरी तो लाइफ बन गई संध्या, लाइफ बन गई। एक्सक्यूज मी जी। कमिश्नर साहब ने बुलाया है, अर्जेंट मीटिंग करनी, उनकी प्रमोशन का सवाल है। मैं दिल्ली फोन करूंगा, हो जाएगी। अच्छा। आप संध्या? संध्या जी, यू तो मैंने हजारों राजकुमारियां देखी है, लेकिन मेरे दिल के सिंहासन ने आप ही को मल्लिका स्वीकारा है। क्या बोलती है? चले। यू तो मैं राजा बाबू हूँ, लेकिन आपके लिए कुली नंबर वन बनने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। अरे हमारी गाड़ी कहाँ गई? हवलदार जी, हमारी गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी ट्रैफिक वाले उठाकर ले गए होंगे। ट्रैफिक वाले या चोर? चोर। हवलदार, ये दूसरी बार हमारी गाड़ी ऐसी चोरी हुई है। अच्छा अच्छा, क्या तुमको मालूम नहीं तुमने किसके गिरबान पर हाथ डाला है? अमेरिका जिस गिरबान में फूल डालता है, रशिया जिस गिरबान में हार डालता है, तुमने उस गिरबान पे हाथ डाला? अगर सरकार ऊपर नीचे हो गई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। सरकार सवाल तुमसे पूछेगी, जवाब तुम दोगे, हम नहीं। अगर पार्लियामेंट में सवाल उठा तो इस दुनिया से तुम उठोगे, हम नहीं। जूम से बढ़कर नाटक पक्षी के पटके में बिल्ली अंडा दे रही थी, चूहा दिल पे हम देख रहे थे, आखिर क्यों? वेरी गुड। टैक्सी, घाट को पर चलो। कभी कभी हम अपने गरीब प्रजा से मिलने के लिए इस बस्ती में आते हैं और एक आध दो दिन यहीं रह जाते हैं। इससे क्या है कि थोड़ी दिल को ठंडक मिलती है। आइए 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 भाई आइए। अरे कितना हो गया? क्या छोटे ऑफिसर? हाँ कौन है भाई? पहचाना मेरे को? कौन है आप? अबे घबले, साथ में टुकड़ा है तो पहचान नहीं। कौन है तू? अबे हाथ तो मिला ना। अबे अंगूठी निकाल। अरे कौन है आप? मैं एक दिन के लिए कॉस्ट्यूम लेके आया था, वो कॉस्ट्यूम और प्रोड्यूसर की गाड़ी लेके। क्या रोक छोड़े क्या? अबे तीन घंटे से परेशान बाबू रो रहा है, मेरे कपड़े उतार पे, शूटिंग का है, कंटिन्यूटी का। भाई साहब लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। अबे पुलिस को बुला के तेरे टुकड़े के सामने 9-2-11 कर दूंगा, फालूदा निकाल दूंगा, उतार पे। चलिए चार्ज गेट खोल। भाई साहब आप देखिए पहले आदमी की शक्ल, करिए बाद में बोला करिए यार। चलिए अंधेरी उतार। एक मिनट भाई साहब, आप जरा तमीज से बात कीजिए। चल दे विरार दे, विरार दे। अरे ये विरार मेरा यार। चल रहने दे, चल कान पकड़, कान पकड़, निकाल निकाल। चल बोरी वाली खोल। अबे बोरी वाली खोल, पैर खोल दे। हां ओ गॉड, ये कहां फंस गई? अरे कुछ एक भेल इधर उधर। चल चल चल, मेट्रो लिबर्टी निकाल दे। चल जल्दी निकाल दे, चल शिफ्ट किराएगा ला रही है सब। चल खोल रे यार। चल चल निकाल, नंगा मुंगा निकाल, गुले गुले के निकाल भाई। भाई साहब आपको गलत फहमी हुई है यार। ठीक तो चल चल भैया, नटराज स्टूडियो निकाल भाई। देखिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, गुले गुले के निकाल। रुकिए, लगता है इसको। संध्या, अरे मेरी बात तो सुनो, मार दूंगी। मेरी बात तो सुनो, मेरे होटले से उठा ना जा रहा। नहीं संध्या, फ्रॉड। संध्या मेरी झनक झनक पायल बजे। संध्या 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 संध्या, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी नियत में कोई खोट नहीं थी। संध्या तुम्हारी नियत कितनी अच्छी और पवित्र है ना, ये तुम्हारे हुलिये से नजर आ रहा है। क्यों, क्या हो गया मेरे हुलिये को? क्या हुआ? केएल सैगल, बाबा सैगल, सुमित सैगल, सैगल ही सैगल, अरे फ्रॉड चीट। संध्या संध्या, इस तरह मेरा दिल मत तोड़ो। मेरे सामने से हट जा वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुबह सुबह पुलिस की धमकी क्यों दी जा रही है? संध्या तुम कहाँ जा रही हो? हाँ ये मत कहना, जहन्नम में, बहुत पुराना डायलॉग है। जहन्नम में तो जाओगे तुम। हाँ ये नया था। संध्या जा कर रही हो? मैं तो जा रही हूँ अपने रंजीत सैगल की तलाश। वो तो नहीं मिलने वाला, उसको पूरे शहर के होटलों में तलाश कर चुकी हो। कहाँ मिलेगा?
लीला कैंपेंस्की, लीला कैंपेंस्की, लीला कैंपस की, लीला कैंपस की, लीला या प्रिंस। ओ हनी मून माय स्वीटहार्ट, चिकनी हो। ओए फोन लेकर किधर जाता है? आई एम रंजीत साइगल। ओहो थैंक यू। हेलो हाँ रानी माँ, हाँ आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या मेरी शादी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपकी पसंद की शादी नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, मैंने अपने पसंद की शादी कर ली है। नहीं नहीं नहीं, दूसरी शादी नहीं, मैं प्रिंस हूँ। चार करूँ या 40 शादियाँ करूँ से क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, ओ साला इसने मेरा बाल उड़ गया। अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, बाल नहीं तो क्या पिक तो है। नहीं नहीं, ये मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं हो सकता, ये रंजीत सहगल नहीं हो सकता। इतना काला बच्चा। ओ डार्लिंग, तुम बहुत अच्छा एक्ट्रेस है, ये लो 200 रुपया। हे मिस्टर, आई डोंट वांट 200 रुपीस, आई वांट 500 रुपीस, अंडरस्टैंड? व्हाट आर यू टॉकिंग चैटिंग लाइक दैट? शट अप, ये ले लो, 500 रुपीस। एक्सक्यूज मी, बकिए। अबे उन लोग के पटे, तू है कौन? अरे तू तू थोड़ा से क्या बात कर रही है? अरे अभी तो तू करके बात किया, जूता निकालो क्या? अबे साले ऐसा मारूंगी ना कि सब सब बदल देगा। और ये 2 रुपए की विक? अरे अगर असली प्रिंस होता ना तो लाखों की विक पहनता। साले समझे, ये तेरे 2 रुपए की फुटपाथ की विक नहीं। सच बता, ये नाटक करने को किसे बोला था? सच बता। बताता हूँ बताता हूँ, वो ये वो और तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो। एक 2 टके के आदमी को प्रिंस बनाकर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या करूं संध्या, जल्दबाजी में दूसरा कोई मिला नहीं, इसलिए इस उल्लू के पट्टे का सहारा लेना पड़ा। लेकिन संध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो संध्या, जिस दिन से तुम मेरी गाड़ी से टकराई हो, उस दिन से मेरा दिल भी तुमसे दिशुम टकरा गया है। अबे चुप, नाचना बंद कर। वो गाड़ी तेरी नहीं थी, चोरी की थी। क्या हो गया, मैं भी खुद का कह रहा हूँ, मैं भी तो चोरी हो गया हूँ। संध्या संध्या, मैं आदमी घर का हूँ लेकिन दिल का राजा हूँ। अगर तुम मेरी हो गई तो मैं तुम्हें नजरों पे बिठाऊंगा, पलकों पे सुलाऊंगा और होठों के झूले भी झुलाऊंगा और कांधे की गाड़ी में घुमाऊंगा। जो 4 प्रिंस मिलके काम करते हैं वो काम मैं अकेला करके दिखाऊंगा। संध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। संध्या आई लव यू, संध्या आई लव यू, संध्या संध्या संध्या। गाना का गोपी, गाना का तब पटेगी। क्या जरूरत है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहले तो पिताजी एक मामूली पैसा भी मेरे बगैर नहीं करते, और अब मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ। यार छोड़ो, बात खत्म हो गई। जाकर उनसे पहुँचू के माफी मांग लेना और पता लगाने की कोशिश करना कि जबरदस्ती की शादी क्यों भाई। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, उस दिन तुम्हें जैसा बताया गूंगे बेचारे डांटेंगे तो भी आवाज नहीं निकलेगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे भी मैं शो खत्म करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इस बार अपनी मुलाकात भी हो जाएगी और अपनी बात भी हो जाएगी। और इस सोने की अंगूठी को गिरी रखी। मुझे लग रहा था आपकी नजर मेरी अंगूठी पे है। शट अप इडियट, तू बकवास क्यों कर रहा है? अंकल का मनी ऑर्डर आते ही तेरे पैसे सूट समझ लौटा देंगे यार। जा बने के बाद और सन एंड सैन से खाना लेकर आ। नहीं नहीं वानी वानी, वहाँ 1000 रुपया बाकी है भाई। तो हॉलिडे इन चले जा, 10 लोगों का खाना पैक करके लेके आ और कहना राजा साहब ने ऑर्डर किया। अरे नहीं नहीं नहीं, उस होटल के मैनेजर के साथ मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है। तू तो फिर और कहीं चले जा, इंडियन मुगलाई चाइनीज सब लेके आ। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था अगर मनी ऑर्डर नहीं आया तो। यू शट अप इडियट, डोंकी, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, रूथलेस रास्कल। तू जानते आज खाने पर कौन आ रहा है? हाँ? भयंकर की आंटी, भयंकर की आंटी साले, रानी साहेबा बोल। अगर वो तेरे काम से खुश हो गई ना तो वो अपने गले से मोतियों का हार निकाल कर तेरे ऊपर फेंक। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर नहीं फेंकी तो। अबे फेंकेगी कैसे नहीं, अपने भयंकर की आंटी है यार,
तू खड़े खड़े लखपति हो जाएगा। जब देखो मनी ऑर्डर करता रहता है। चाची, अबे तू उंगलियों को क्या देख रहा है? तू मेरा काम कर। तेरे हाथ की उंगलियों तक क्या, तेरे पांव की उंगली में भी अंगूठिया पहना दूंगा। नहीं नहीं, मैं अबे तू सोचता होता यार, तू करता यार। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर। लगता है मैं किसी गलत घर में आ गया। अरे गोपी, गोपी आवाज तो जानी पहचानी लगती है। कौन है आप लोग? अरे यार मैं अभयंकर। अभयंकर? तू इतना भयंकर? अरे नहीं यार, हम लोग घर की साफ सफाई कर रहे थे यार। तू कौन, राजा है क्या? हाँ। अरे तुम लोगों का यह हाल हो गया कि तुम लोग अपने घर में नौकर का काम कर रहे हो? तुम्हारा यह हाल है तो मेरा क्या होगा यार? अरे नहीं यार, मैंने बताया था ना आंटी, वो आने वाली है। कौन, वो बटाटे की महारानी? अरे नहीं नहीं, बटाटे की नहीं, कांदे की। हाँ वही कांदा बटाटा। उसी को मस्का मारने के लिए तुम लोग इतनी साफ सफाई कर रहे हो? अरे नहीं, मस्का मारने के लिए नहीं, उनके स्वागत के लिए। वैसे हम दोनों ने चिट्ठी लिखकर उन दोनों को भी बुलवा ली है। कौन दोनों? उनको। अच्छा वही ऊंचा नीचा? नहीं नहीं, ऊषा निशा। हाँ वही। अरे यार 10 दिन में तू सब भूल गया। क्या बताऊं भयंकर, लाइफ में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज एक नया ट्विस्ट, नया टर्न, शहर शहर मारा फिर रहा हूं। समझ में नहीं आता क्या होगा। एक नया नाटक में एक नया रोल मिला है, उसी के ड्रेस और मेकअप के लिए ट्रायल लेना चाहता हूँ। तुम लोग तो जानते हो घर में भाभी घुसने नहीं देती, जरा हाथ मुंह धो लेता हूँ। अबे तू रोल कौन सा कर रहा है यार? रूप की रानी का। ओह इसका मतलब तू लड़की बनकर फिर बिजली गिराएगा? अबे बिजली तो मेरे दिल पर बार बार तब गिरती है जब मैं लड़की का रोल करता हूँ। मेरी शान के खिलाफ है यार, मेरे को कोई लाखों रुपए भी देना तो मैं लड़की वड़की का रोल नहीं करूँ यार। मैं लाइफ में डिफेक्ट आ सकता है यार। बाथरूम का इधर साफ किया कि नहीं तुमने? अबे तेरे पकड़। पोस्टमैन, टेलीग्राम। इसमें लिखा है आंटी इज नॉट कमिंग। अच्छा अच्छा, आंटी इज नॉट कमिंग। सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आंटी नहीं आ रही है। अच्छा, आंटी नहीं आ रही। अरे मेरी अंगूठी का बारह बजाने वालों चुप रहो। जान जान, अबे राजा तू भी लगी कितना फंस गया। देखो यार देखो, जान 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 तू बेकर जान जान। क्या हुआ क्या हुआ? अबे बोल 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 बोल, क्या हुआ? बैड न्यूज़। तेरा भी मर गया क्या? मेरा तुम लोगों के अलावा है ही कौन जो मर जाएगा? तुम लोगों के लिए बैड न्यूज़। अबे क्या बैड न्यूज? मेरी तरफ उंगली दिखा रहा। अबे साहब मेरा कोई मर गया क्या? शायद अंगूठी के बारे में कुछ कह रहा है। अंगूठी नकली थी, नहीं आ रही है। कौन कौन नहीं आ रही है? आंटी। हमारे साथ क्यों होते बार बार यार? अबे तेरी आंटी साली बहुत भाव खाती है, जब देखो गुलाटी मार जाती है। अबे इससे पहले आंटी ने आने का कब वादा किया था? पहली बार तो वादा किया और पहली बारी कल्टी मार दी। उन दोनों लड़कियों को क्या शक्ल दिखाएंगे हम? वो दोनों लड़कियां अपनी अंकल से इतना डरती हैं, कहीं उनको पता चल गया ना कि आंटी नहीं आ रही तो उल्टे पैर गालियां देती हुई निकल जाएंगी और दोबारा आने का नाम तक नहीं लेंगी। राजा भयंकर, अबे क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपने कद को और घटा रहा है? आ गई। कौन कौन? आंटी राजा। उषा अभी निशा, कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। निशा आओ ना, तुम्हारी आंटी जी महाराज आ गई। आंटी? आंटी जी तो आ जाएंगी, तुम लोग बैठो तो सही। नहीं नहीं, हम पहले उन्हीं से मिलना चाहते हैं। बल्कि हम उनसे ही मिलने आए हैं। अभी बताओ ना कहाँ है आंटी? आंटी तो, आंटी तो क्या मतलब है, वो आई नहीं क्या? पता नहीं आंटी को अचानक क्या हो गया। शट अप, तुमने हमें फिर से धोखा दिया है। अभी हमें यहाँ बुलाने के लिए आंटी का बहाना लिया, अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। निशु निशु प्लीज,
ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। लोग समझते नहीं हो, अगर अंकल को पता चल गया तो वो हमारी खाल उधेड़ देंगे कि हम लड़कियां अकेले छड़ों के घर में कैसे चले आए। हम जा रहे हैं। अरे एक मिनट अबे यार तेरी आंटी तो आई है ना। मेरी आंटी? तेरी आंटी यार। कौन है ये? हाँ मेरी आंटी, महारानी ऑफ कांदा। आंटी आओ बच्चियों, माँ बदलत के गले लग जाओ। निशा, 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 इनसे मिलिए शेरनी हिंद, कुतुब मीनार सिंध, दीवाने खास, दीवाने आम, इनके सामने सर झुकाना जनता का है काम। हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा, जलवा अफरोज है, फर्जी सलाम बजा लाते हैं। हाँ रहने दो रहने दो, आओ माँ बदलत के गले लग जाओ। तुम लोग दोनों इतनी छोटी हो, सुंदर हो, तुम लोगों को प्यार करने के लिए यही दोनों मिले थे क्या? रानी साहिबा, हमें आपकी रियासत देखने की बहुत इच्छा है, आप कब हमें अपनी रियासत में ले चलेंगी? अरे पगलियो, तुम्हारा सब कुछ मेरी रियासत में ही होने वाला है। मेरे महल में ही तुम्हारा बाजा बजाऊंगी, हाथी पे निकालूंगी तुम्हारी बारात। कहाँ हो तुम लोग? क्यों रे राजा? हाँ जी, हाथी पे बैठाएगी कभी? नहीं तो गिर जाएगा। रानी साहिबा, ये आपकी रियासत कांदा है कहाँ? तुमको फांदा मालूम है? फांदा? इधर फांदा, इधर चांदा, इधर वांदा, बीच में कांदा। आपकी रियासत का नाम कांदा पड़ा कैसे? होशियार है हाँ दोनों, आओ बैठ कर बताती हूँ। कांदा का मतलब होता है प्यास, और हमारे गांव में कांदे के सिवा कुछ उगता ही नहीं। और कांदे के झाड़ कैसे है मालूम? ये नारियल के झाड़ की तरह, और कांदे ये बड़े बड़े। आपके यहाँ कांदे झाड़ पे उगते हैं क्या? ये बड़े बड़े, लेकिन यहाँ तो जमीन के अंदर प्याज उगते हैं। तभी तो ये छोटे छोटे ऐसे कुछ भी। हाँ वैसे आपके पति देव क्या करते हैं और आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे? पति? मैं क्या फॉरेन से आई हूँ ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है ना, इनके बच्चे होने से पहले इनके पति मर गए, और उनके मरने के बाद मुझे बच्चे हुए ही नहीं। कर्नल अंकल, अंकल अंकल आइए ना। वाह, ये साला हरामी लगता है। आहा, क्या बढ़िया फर्नीचर है। भाड़े के अंकल? खैर इनसे मिलिए, ये अपने भयंकर की आंटी हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा लंदन से आई है, और ये मेरे चाचा कर्नल डोगरा। किसका छोकरा? कर्नल डोगरा, योर हाइनेस, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए कर्नल डोगरा, मैं भी आपसे गले लगकर मिलना चाहती हूँ। स्टेडियो? अरे अपने चादनी है, हमारी रियासत में तो हमें जो भी पसंद आता है ना, हम उसे गले से लगा लेते हैं। हमारा टोमी रोज आकर पहले हमसे गले मिलता है, बाद में हड्डी खाता है। टॉमी? टॉमी कौन? हमारा है। आई सी। ऐसे खड़े रहेगा तो तुमसे भी ज्यादा हाइट हो जाएगी मालूम है क्या? अभी सोचो पप्पी की हाइट इतनी है तो अलसीसन की कितनी होगी। अंकल जी, मीट आवर क्लासमेट्स उषा एंड निशा। नमस्ते अंकल। हेलो उषा, हेलो निशा। योर हाइनेस, आप लंदन से कब तशरीफ लाए? ए भयंकर, कभी आई रे मैं? दो तीन दिन पहले। नहीं, पौने तीन दिन पहले। और लंदन में आप रहती कहाँ हैं? रहती कहाँ हूँ मतलब, महल में। किस महल में? एलिजाबेथ के। ओह, बकिंगम पैलेस। ऑफ कोर्स बकिंगम पैलेस, क्यों? वो क्वीन है तो क्या मैं क्वीन नहीं हूँ क्या? मैं भाजी वाली दिखती हूँ? नहीं, नहीं नहीं, आप भी क्वीन ही लगती है। तो आपकी और एलिजाबेथ की काफी दोस्ती हो गई होगी।
है ना? अरे दोस्ती का तो पूछिए ही मत। इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना, मैं नाश्ते में ही सॉल्व कर डालती हूँ, लंच का भी वेट नहीं करती। फिर तो बड़ा मजा आता होगा ना लंदन में। अरे मजे का तो तू पूछिए मत। आइए ना, बैठिए ना, मैं लंदन के बारे में मैं आपको लंदन के बारे में तबीयत से बताती हूँ। इर्शाद, इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है, लालटेन का घासेड़ भी जम जाता है। क्या बात कर रही हैं आप? हथौड़ा मार के बुझानी पड़ती है बत्ती, इतनी ठंड। एक बार तो मैं कुछ कहना चाह रही थी तो मेरे मुंह से शब्द की बजाय बर्फ के टुकड़े डायरेक्ट निकले, खड़ा खड़ा खड़ा। लेकिन सुनने वाले उसका मतलब कैसे समझते हैं? बर्फ तोड़ते हैं मतलब बाहर निकालते हैं, अपन बादाम तोड़ के कैसे खाते हैं बस। लेकिन फिर वहाँ नहाते कैसे होंगे? नहाते कौन है वहाँ पर? सब नहाने की गोली लेते हैं। चार गोली लाई हूँ, एक आपको दू? नहीं नहीं, मुझे गोली की कोई जरूरत नहीं। राजा जी, कम माय बॉय, राजा माय बॉय जी, ये जो पैसे मैं तुझे भेजता हूँ वो तो तेरे लिए बहुत कम पड़ते होंगे, है ना? वो कहना है चाचा जी, मैं आपको इसके बारे में लिखने ही वाला था। हाँ? लेकिन जब आपने कहा कि मनी नहीं है तो मैं ऑर्डर कैसे करता? पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं सोचा करता था कि एक ही क्लास में पांच पांच साल पढ़ने की जो तेरी एम्बिशन थी उसको पूरा करने के लिए शायद तुम्हारे रिटायर्ड कर्नल चाचा को कोई बैंक रॉबरी करनी पड़ती, है ना? मगर आज महारानी साहिबा से मिलकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस जिंदगी में मैं तेरे लिए कुछ कर सकूंगा। चाचा जी, ये कोई औरत है क्या? ये औरत नहीं है। मेरा मतलब ये हर हाइनेस महारानी। डोंट वरी माय बॉय, आई विल लुक आफ्टर हर हाइनेस एंड हर प्रॉपर्टी। अबे क्या हुआ? राय बहादुर नाम का एक आदमी आया हुआ है। हमारे चाचा जी आ गए, अब क्या होगा? अबे हमको कहीं छुपा? मेरे होते हुए डरती हो तुम लोग? अरे मुझे देखते ही खतरनाक बुलडॉग भी बिल्ली बनकर मेरा पांव चाटता है। आने दो तुम्हारे चाचा जी को, देखो मैं उसको कैसा दिखाती हूँ। नहीं नहीं रानी साहिबा, आप हमारे चाचा जी को नहीं जानती, वो हम यहाँ देख लेंगे ना तो कच्चा खा जाएंगे। क्या बात कर रही हूँ? निशा, निशा, कहाँ है? ओहो, बेगैरत, बेशरम, बेहया, तुम्हारी इतनी मजाल मेरे को पूछे बगैर तुम लुच्चों के घर में आ गए। तुम्हें घर चलो, मार मार के अगर तुम लोगों की खाली निकाल दिया तो मेरा नाम भी राय बहादुर बैल नहीं। कौन है ये बदतमीज जो हमारे सामने अपने मुंह को कचरे के डब्बे की तरह हिला हिला कर गंदगी गिरा रहा है? कोई नाल डोंगरे, इसके नाम नोट करो, मुझे भी गवर्नर को तार देना है। गवर्नर की धौंस किसको दे रहे? मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, इस शहर का एक्स मेयर हूँ। अभी मैं गवर्नर को मिल को आ रहा हूँ। ये और बात, उन्होंने मेरे को हकल दिए मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गवर्नर को मिल को रहूंगा। मिस्टर बहल, मेरा नाम बहल है, मेरे को सींगा लगा रहे क्या? शिताप! तुम कुछ भी लगाने के काबिल नहीं हो। अगर तुम हमारे राज हमारी रियासत में होते तो हम तुमको उल्टा रख कर फांसी लगा डालते। राज में रियासत? राय बहादुर, आपने इनको पहचाना नहीं? नहीं, कौन है ये? चाचा जी, आप हैं हर हाइनेस कनक लक्ष्मी ऑफ कांदा, मध्य प्रदेश है चाचा जी। हर हाइनेस जी? जी। महारानी है जी? तुम सबका सत्यानाश हो? क्यों क्यों? मेरे को पहले का क्यों नहीं बताई कि नो? हर हाइनेस एंड योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, मेरी गलती की मेरे को भीख दे दो। भीख? पहले तमीज से बात करना सीख, बदतमीज। हाथ फैलाकर पड़ा रहे, मैं अभी एयरपोर्ट फोन करके आती हूँ। जी बहुत ठीक। एयरलाइन, हेलो पुलिस स्टेशन, मेरा लगेज कहाँ है? व्हाट? तुमको मालूम है कितना माल था मेरा उसमें? अगर घूम गया ना उल्टा करके इतने फटके मारूंगी। क्या घूम गया? देखो मैडम, कुछ नहीं देखने का है मेरे को तुम्हारा। मालूम है उसमें कितना माल था? $1,00,000 थे और $2,00,00,000 थे और दो दो महल के पेपर थे। पॉन्ड्स, डॉलर्स? लेकिन कहाँ है, किधर है? शट अप, कुछ नहीं देखने का मेरे को तुम्हारा। जी। क्या हुआ रानी साहिबा? जिसके पास इतना माल हो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना रहे तो उसको कितना खराब लगेगा। अमेरिका को मालूम पड़ेगा मेरा ये हाल है तो उसको कितनी तकलीफ होगी। लंदन में एलिजाबेथ को मालूम पड़ेगा तो मुझे ताबड़तोड़ फोन करेंगी।
अरे हमारे गांव में तो ऐसे फकीर लोग भी करोड़पति होते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रानी साहिबा, जो कुछ बनने के पास है वो सब आपका। What do you mean? I mean कि आप जैसी ग्रेट लेडी अगर उनकी जेब खाली हो तो इस दुनिया में कोई भी मुसीबत आ सकती है। मगर फिलहाल आप ये हकीर नजराना नाचीज से कबूल कर लीजिए। कितने? 10,000। बड़े फकीर टाइप आदमी लगते हो, एक रानी को नजराना दिया वो भी 10,000 का। माफ कीजिएगा, इस वक्त बंदे के पास जेब में सिर्फ 10,000 थे, कल मैं आपके लिए 25,000 ले आऊंगा। 25? जी 25, कम है क्या? नहीं, बोलने में खराब नहीं लगता है, लेकिन 25? इन्हों क्या ला के देंगे रानी साहिबा? फकीर की झोली की तरह इनकी जेब खाली है, फूटी कौड़ी नहीं इनके कने। मेरे कने बहुत है, मैं ला के दूंगा आपको। क्या दोगे? 26? 26? ऐसा नको बोलो, मेरे को शर्म आती। चलो पोटियो, रानी साहब को थोड़ा आराम करने। ओके आंटी, हम लोग चलते हैं। जा रही हो? हाँ। ध्यान रखना अपना। आप भी रखना। हाँ। अच्छा, बाय बाय। आना हाँ। कमीने, क्या है? ए, छोटी गाली मत दो मुझे। मेरे निशा को चूमता है, मेरे निशा के वो हाथ रखता है। कितने कंकर? भाभी। अरे कौन है रे तू? हम है तुम्हारे खिदमतगार, तुम्हारे ममता भरे प्यार के तलबगार। अरे रे रे, मैं शर्म क्या गले लगता है, पीछे हट। कौन है तू? मैंने तुझे पहचाना नहीं। आए? अरे भाभी, मैं हूँ गोपी। गोपी, तू ये नौकर जैसी हालत कैसे बन गई तेरी? लगता है जरूर तू किसी के यहाँ नौकर का काम करता है। क्या तकलीफ है तुझे? तेरी भाभी मर गई है क्या? चाचू। हाँ? चाचू। ए? ये क्या? अबे अबे, अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं फिल्म में नौकर का रोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ी नौकरी कर रहा हूँ कहीं। जब देखो मेरे मेकअप को अपने आंसुओं से धो देते हो। लेकिन तू हमेशा नौकर का ही रोल क्यों करता है? तेरे को कोई राजा महाराजाओं का रोल नहीं देता है क्या? भैया मैंने एक फिल्म में प्रिंस का रोल भी किया है। हाँ। और उस रोल से मुझे क्या मिला है मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर भाभी फिलहाल तुम ये 10,000 ऊपर रख लो। 10,000? भाभी आज से तुम इस घर में उकड़ा चावल खाना बंद कर दो और बासमती लाना शुरू कर दो। बंटी ये केला उठा के फेंक दे और यहाँ पर अंगूर लगा दे। और भैया अभी तुम ये नोटा वोटा पीना बंद कर दो और आज से तुम विस्की पियो, विस्की। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। आजकल मैं हर जगह टाइम पे पहुँचता हूँ। गोपी उठना यार। अरे उठना यार। राजा, गोपी फिर से टांग दे गया। देखो ना, गोपी ना मार के जबरदस्ती बांध के चला गया। अबे साले, 10 की पत्ती के लिए बिक गया तू। मुंह बंद कर इसका। Excuse me. उषा निशा। उषा निशा। मर गए। आंटी जी, आप आराम कीजिए। Anybody home? उषा। निशा। आंटी कहाँ है? आंटी। हाँ, हम उनके लिए एक न्यूज़ लाए हैं। वो क्या है ना, वो सो रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों क्यों, क्या क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है ना, विलायत से आई ना, इसलिए टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। वही जेट लैग। वो बड़ी देर तक आराम करेंगे। नहीं 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 नहीं, दिन में मत सोने दो उन्हें। हाँ। और रात को उन्हें नींद नहीं आएगी। हम खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सो रही है, उन्हें सोने दीजिए। अब वो कल सुबह उठेंगी। क्या है रानी साहिबा? मैंने अपनी वीरान जिंदगी का सफर आज तक जवानी के रेगिस्तान की तपती रेत पर दहकती धूप में नंगे सर तय किया है। ऐसा क्यों किया मिस्टर डोंगरे?
सर पे छतरी रख लेते, पाँव में चप्पल पहन लेते। आप मेरी बात समझी नहीं, अब मैं थक गया हूँ। तो खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। अभी भी आप मेरी बात समझी नहीं। रानी साहिबा, आप मेरी बनेंगी क्या? आपका बोलने का मतलब क्या? मतलब ये कि आप मुझसे शादी करेंगी क्या? मिस्टर डोंगरे जी, इतना फालतू सवाल आप कितना क्लासिकल में गा गा के पूछ रहे हैं। आपसे तो मिस्टर बेल सौ कदम आगे हैं। वो कैसे? मालूम है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? क्या 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 किया? इतनी डरने की बात नहीं है, इतना कुछ नहीं किया। क्या किया? इतना ही किया, मुझे उस पेड़ के पीछे ले गए और अपनी मोटी छड़ी दिखा के मुझे डराया और मुझसे कहा कि बोल मुझसे शादी करती है कि नहीं। और आपने क्या कहा? मैं क्या करती, छड़ी देख के डर गई, हाँ कर दिया। अरे ये तो सरासर धोखा हो गया। मतलब ये कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगी? मिस्टर डोंगरे जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो पहले आंख से इशारा करके क्यों नहीं दिखाया? किया तो था, आपने समझा ही नहीं। ओ जी, चलिए अब शरीर जब मैं मिस्टर बेल को देने का वादा कर ही चुकी हूँ जी, तो मैं सोचती हूँ कि दिल आपको दे दूँ। शरीर उनका, दिल आपका। दिल मेरा? तो दिल का मैं क्या करूँगा? कबाब बनाऊंगा उसका। आप समझे नहीं कोयनल डोंगरे, अगर मैं मिसेज बेल बन भी गई तो भी आप अंदर अंदर मुझसे चोरी चुपकी प्रेम संबंध चालू रख सकते हैं। नो नेवर रानी साहिबा, नेवर। काय को उसमें किसी के बाप से क्या डरना? हम मिलिट्री का आदमी है रानी साहिबा, हम जो कुछ करता है चोरी छुपे नहीं करता, हम खुलेआम करता है। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम सारी उम्र कुंवारे रहे। फिर भी आपको 6 महीने से ऊपर कुंवारा रहने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? इसलिए कि मेरी कुंडली में जबरदस्त विधवा योग है, मेरा कोई भी पति 6 महीने के ऊपर नहीं टिकता। आई सी, मतलब ये कि जब बहल मर जाएगा तो हम आपके पति बन जाएंगे। कम से कम 6 महीने के लिए। कम से कम 6 महीने के लिए। इस उम्र में इस तरह आपको औरतों के पीछे भागना शोभा नहीं देता। नहीं, मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ कि आप है ना, आप है ना शादी मेरे संगाथी करेंगी। देखिए इस वक्त मेरे सामने 2 प्रश्न हैं, एक के मैं शादी करूँ के नहीं, और दूसरा करूँ तो किससे? आपसे कि डोंगरे से? अरे डोंगरे में क्या रखा, उसको मारो गोली, वहाँ खोदा पाड़ निकलेगा चूहा। क्यों, आपको खोद के क्या बिल्ली निकलने वाली है मिस्टर? नहीं, मुझे खोदेंगे तो शेर निकलेगा। अच्छा, डरा रहे हैं? नहीं, पाला हुआ शेर है, पिंजरा मंगवाना पड़ेगा। नहीं, उसको छोड़िए। दूसरी बात क्या है, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, मैं आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, उसको कैसा संभालना होना वो आपको बताऊंगा। उसको क्या मालूम कानून की चिड़िया का नाम है। और सबसे बड़ी बात है, आपको उठते बैठते सोते में कानून की जरूरत पड़ती होगी। उठते बैठते पड़ती है, सोते वक्त नहीं। अच्छा, उसको भी जाने दीजिए। तीसरी बात ये है कि मुझे औरतों का तजुर्बा है, मेरी 3-3 शादियाँ हुई है। 3 को बर्बाद किया है? नहीं, आबाद किया है। मेरे को मालूम है किस मिजाज की औरत के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। डोंगरे को क्या मालूम, उसकी तो 1 भी नहीं हुई है ना। ऐसे आदमी से शादी कर को क्या फायदा जो बात बात पे पिस्तौल निकाले। पिस्तौल मेरे पास भी है, लेकिन टाइम आने पर ही निकालूंगी। नहीं, मगर ऐसी शादी का क्या फायदा, जा घड़ी घड़ी पिस्तौल लड़ानी पड़ेगी। वो तो लड़ेगी ही। उषा निशा, उषा निशा, आप जाइए वरना मैं इनको बता दूंगी कि आप मुझसे कैसी कैसी बातें कर रही हैं। नहीं, मैं बोल, इनको लेकर जाओ, ये मुझे लॉ सिखा रहे हैं। इनको बोलो पहले अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान दें। चाचा जी, चलिए ना चाचा जी, चलिए। एक मिनट, एक अप्पी देखो। चाचा जी, अरे यार क्या, निशा, उषा, निशा, उषा, निशा, उषा, निशा, उषा, निशा, जान, अबे गिड्डे, इतना क्यों हंस रहा है? तेरे बाप की शादी है क्या? अबे माँ ने मुहूर्त निकाला क्या? क्या तिलकारिया है, क्या पकड़ धक्का है, क्या लूट खतूट है। अरे दोनों लड़कियों की तो ऐसे ही ताजी कर डाली। राधा, ये क्या बक रहा है? अबे लेकिन गोभी है कहाँ?
मालिक के झोपड़े में। उषा निशा के साथ मालिक की झोपड़ी में, मालिक की झोपड़ी में मालिक तो होगा। यही तो बात है, माली नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या है ना, आज वो दोनों बुड्ढे यहाँ आने वाले हैं, तू उनके साथ बैठकर हमारी शादी की बात फिट करवा दूँ। वो दोनों इसी सिलसिले में आ रहे हैं। तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला ही है? तुम लोगों को बताओ, वो लोग मेरे फेरे के चक्कर में यहाँ आ रहे हैं। अरे मुझे उन लोगों की आंखों में वासना दिखाई देती है, तुम लोगों को समझ में कैसे नहीं आता है यार? अगर मैं उनको अकेला मिल जाऊँ ना तो क्या कहते हैं, वो बहिष्कार, बदकार, बलात्कार, दुनिया भर की जितनी बेकार चीजें सब मेरे साथ कर डाले। अरे वो लोग समझ रहे हैं कि मैं रूप की रानी हूँ, मगर तुम लोग तो जानते हो कि मैं चोरों का राजा हूँ। लेकिन गोपी, जिस दिन हकीकत निकाल के सामने रख दूंगा ना, दोनों बेहोश हो जाएंगे। हाँ हाँ, जाजा नान करके आ जल्दी। अबे मेरे को, ने को टाइम लगता है। लेकिन जरा जल्दी आना। अब जल्दी पे। हाँ। जल्दी कहा रहा आ रही है जी। जी आ रही है, आ रही है। दो बात तुमने गड्डी खड़ी है। आ रही है। और लाइसेंस नहीं आएगा मेरे को। ओहो आ रही है। जल्दी कहा रहा है। कमाल है यार। चलो जी। हाँ भाग गई। ये तो आना नाटक कमाल है यार। तो आटा जाने ना था, तो नाटक ही नाटक है। कभी ये ले दो, कभी वो ले दो, कभी सर ले दो, कभी सूट ले दो, तेल ले दो, फिर कह रहा हूँ हाय रब्बा उधर दर्द है ना, हाय रब्बा उधर दर्द है ना। कहती है सेल लगी है, इतने मेरा तेल लग गया, तेरे प्यो का की लग गया। सूट ले दो, दाढ़ी ले दो, बस और कोई गाली नहीं, गाली नहीं, हद होगी है तोड़े ते जनानिया दी, हद होगी है। कोई नहीं यार, हद होगी है। तोड़ा तोड़ा कमाल है, तोड़ दे। रब ने भी कितो मेरे वास्ते भेजा है, कमाल है। और सरदार जी गाड़ी रोक। तेरी आज को क्या हो गया? मेरी जनानी। वो बेचारी भाजी ले रही थी, उसको छोड़कर आ गया तू, ध्यान किधर रहता तेरा? मैंने छोड़ा। और सुन, ओए राम को दा पुत्र पाज वाले साथ तूने पाज गई। अरे संध्या, अबे दिखता नहीं क्या? अरे ये तो वही है जिसने हमें खून करते देखा था। ए आ? इसकी माँ की आंख। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? घबराइए मत,
मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो आपकी बीमारी को दूर कर देगा। बीमारी? जी। काय की बीमारी? भाई बुढ़ापे में पेट वेट पे काबू नहीं रहता, तो एक दूध पीते बच्चे की तरह बेखबरी से वो निकल जाता है। क्या निकल जाता? वही जो निकल रहा है। हौकाले हैं क्या आप? ये मेरे में से नहीं निकल रहा, आपको नल की आवाज नहीं आ रही? ये बाथरूम का पानी है। अच्छे खासे शरीफ आदमी को बदनाम कर रहे हैं। कैसे है राय बहादुर साहब, आप हैं एक चीज। चीज बन गए यार, लगता है ये साला बदमाश फिर भाग गया। क्या हो गया तुझे, ऐसे कैसे भाग सकता है? अंदर से कड़ी लगा के साला खिड़की से निकल गया यार। आप हद की हद से बाहर जा रहे हैं। जी नहीं, हद की हद से बाहर तो आप चले गए। महारानी साहिबा को एक कोने में ले जाकर अपनी छड़ी दिखाकर डरा धमका कर अपनी शादी के लिए तैयार कर दिया। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा? मैं तो सुना आप उनको कोने में ले जाको अपनी पिस्तौल दिखा को आप उनको डरा को शादी के लिए रजामंद कर रहे थे। ये किसने कहा आपसे? अरे मेरे को खुद रानी साहिबा बोली है। बिल्कुल नहीं, उन जैसी जेंटल लेडी तो मैंने जिंदगी भर में देखी ही नहीं। अरे काय की जेंटल लेडी, ऐसी पब्लिक लेडी मैं मेरी जिंदगी में नहीं देखा। देखो आप उनको बदनाम कर रहे हैं। अरे मैं कुछ भी करूं, आपका क्या संबंध है उनके संगत? वही संबंध है जो आपका उनके साथ। तो आप भी चक्कर चला रहे, गधे हैं आप। और आप उल्लू के पट्टे से कम नहीं। मेरे को लगता है ये लड़ाई अभी बातों से नहीं लातों से पूरा करना पड़ेगी। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, निकाल लीजिए मियान से तलवार। ऐसा? तो आप भी इतने से खंजर की तरह बाहर आ जाइए। जय बजरंग बली की। लॉन्ग लिव मदर इंडिया। लॉन्ग लिव टैंक्स ऑफ इंडिया। फौरन फोन करके नुक्कड़ से प्लंबर को बुला ले। किसको? प्लंबर यार। हाँ। चल चल चल। मर गया। तुम बुझे चाहते हो? कॉपी। तू फिर भाग गया था? अबे मरते मरते बचाऊं सारे। तो फिर भागा क्यों था? संध्या से मिलने गया था, गुंडे पीछे पड़ गए। छोड़ तेरे गुंडे यार, जल्दी से कपड़े पहनो, तैयार हो जा। अच्छा, मैं तुझे अपने मरने से बचने की स्टोरी सुना रहा हूँ और तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं। खिड़की का उधर? नहीं नहीं नहीं, गोपी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाप, यार हम भी तो फंसे हुए ना यार, वो दोनों बुड्ढे बाहर खड़े। ये बुड्ढे तो बहुत पछताएंगे मेरे दोस्त, जिस दिन हकीकत खुलकर इनके सामने आएगी। राजा। हाँ गोपी, अच्छा तू आ गया, बाहर बगीचे में आग लगी है। पानी डालो। ए, क्या कर रहा है यार? अभी तू खाका के मोटा हो गया यार। अरे पहले तू पतला था, अभी मोटा कैसा हो गया? चमन लालो, मैं मोटा नहीं हो गया, ये कपड़ा सुखड़ गया। तुम लोगों ने धोया था क्या? हाँ। घाघरा भी धोया था? हाँ। मिनी स्कर्ट हो गया। हाँ। वो एक काम कर, इसको तैयार करके बाहर ले आ, मैं चाचा जी को देखता हूँ। जल्दी जा, लगता है इसी घर में घुसा है वो। कौन हो तुम लोग? हम लोग जनता प्लम्बिंग से आए हैं, नल ठीक करने के। नल ठीक करने आए हो? अभी ठीक करते हैं। अबे अबे ओ, कहाँ घुसते चले जा रहे हो? आप उन जनता प्लम्बिंग की तरफ से आए ला क्या? तुम्हारा फोन आया था कि तुम्हारा नल खराब है, इधर है। सुनो, अपन को चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा कौन सा पाइपलाइन कहाँ से खराब है। क्या? ए राजा। अरे ये उसकी बहन लगती है। पर औरत के सामने क्या खुसर फुसर कर रहे हो? उल्टा करके इससे फटके मारूंगी ना। ये वही है। आप तुम लोग वापस चले जाओ, हमारा जो नल का लीकेज था ना, वो अपने आप ठीक हो गया। ठीक हो गया? ऐसा कैसे जाने का? अपन के सेठ ने बोला कि पूरा चेकिंग करके आने का, बिना प्लम्बिंग किए आने का नहीं क्या? अरे हमको ठीक नहीं करवाना। क्या बोला तू? अपन फुल चेकिंग करके जाएगा क्या? नंबर है के डॉक्टर? ए शाणे बाजू हट, तू कहाँ है वो? तेरी माँ की बड़ी बहन की तरह हूँ ना मैं। हाँ भाई साहब, आप नल ही ठीक करोगे ना? करोगे ना? पूरी पाइपलाइन उखाड़ोगे? देखो बहन, गलती हो गया,
अरे वो तो ऐसा पागलपना क्यों कर रहे हो साले? पुलिस 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 सब भाग ली, लगता है सबके मन में चोर है। अरे मैं तो ये कहने आया था कि पुलिस सुरक्षा पूर्वक महारानी साहिबा को लेके आ गई है। सब रब्बू चक्कर हो गए। हाँ रानी साहिबा, अब मैं इजाजत चाहूंगा, आपको अपनी हिफाजत में यहाँ तक लाकर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। ये तो खाम खाई इन लोग डर गए। मैं अभी उनको बता के आता हूँ कि असली महारानी साहिबा आ गई हैं। असली महारानी जी? आपके आने से पहले एक महारानी और आई हुई है। एक महारानी और? दैट्स वेरी गुड। तुम एक काम करो, जब तक मैं ना कहूँ तुम उन्हें मत बताना कि मैं महारानी हूँ। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था अगर मुंह से निकल गया तो। सेक्रेटरी? यस मैम। अब तो मुंह भी नहीं खुलेगा। आइए आइए मैम, आइए 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 आइए। मगर रानी साहिबा, आपने अपने भतीजे अभय को क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हैं? हमने जानबूझकर टेलीग्राम किया था कि हम नहीं आ सकते। हा? क्योंकि एक तो हमने उसे देखा नहीं है। हा? और हम ये देखना चाहते हैं कि ये ठीक तरह से पढ़ाई कर रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ वक्त ही बर्बाद कर रहा है। चलो एक तरह से ये अच्छा हुआ कि हमने बताया ही नहीं, क्योंकि इस बहाने इस नाटक से भी पर्दा उठ जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि कौन है जो महारानी बनकर हमारी जगह हमसे पहले आ गई है। और आशा, इस शहर में आके कितनी पुरानी यादें दोबारा ताजा हो गई हैं। रानी साहिबा, पुरानी यादों में कोई खास याद? कुछ नहीं। आप हमें बताएं या ना बताएं, मगर आपकी शर्म और लज्जा की सुर्खियां ये बता रही हैं कि आपने किसी को दिल दिया था। हाँ आशा। बहुत अरसा हो गया, मैं यही कॉलेज में पढ़ती थी और वो हमारे ही कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। मगर रानी साहिबा सोचिए, अगर कोई जादू हो जाए और आपके सदानंद जी हमें इस बाग में मिल जाए तो कितना मजा आएगा, है ना? जिस चीज के बारे में सोचे और वही सामने आ जाए, ये तो किसी फिल्म या नाटक में होता है, जिंदगी में नहीं। सदानंद आप? गुड गॉड, लक्ष्मी तुम? ओह माय गॉड। मैडम, मैं जरा घूम कर आती हूँ। हाँ? कमाल हो गया, ये कोई सपना तो नहीं है? नो लक्ष्मी, दिस इज अ ग्रेट मिरेकल, ये तो एक जादू है। देखो इतने सालों के बाद आज तुमसे मुलाकात और इसी बगीचे में। सच? कितने सालों बाद और इसी बगीचे में? हम तो सोच रहे थे कि तुम हमें भूल चुकी होगी। क्या मतलब? भाई हमने सुना था कि तुम्हारी शादी तो किसी बड़े राजघराने में हो गई थी ना। राजघराना तो था, लेकिन मेरे लिए एक पल भर का सपना साबित हुआ और शादी का कलंक मेरे जीवन से जुड़ गया। I'm terribly sorry, darling. It's okay. मेरी बात छोड़िए, वैसे आपकी जिंदगी तो बहुत मजे से कटी होगी। हाँ, हमारी जिंदगी तो बहुत ही मजे से कटी, ना हमें बीवी की चिंता ना बच्चों की। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने तो सारी उम्र शादी ही नहीं की। वो क्यों? वो इसलिए कि जिस औरत से हम शादी करने का वादा कर चुके थे वो तो चली गई, गायब हो गई, और सिर्फ आज मिली है। सदानंद, मैडम, मुझे लगता है यही है। सिगरेट नहीं पीने का, खराब चीज होती है। कितनी बुरी बात है। नमस्ते दीदी महाराज। नमस्ते। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी। कौन है आप लोग? क्या दीदी महाराज, मैं आपके भांजे की बहू हूँ, विजयालक्ष्मी। अरे विजय, इतनी पतली हो गई।
क्या दीदी महाराज, मैं तो मोटी हो गई हूँ। तो फिर ये पतली दुबली चीज कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी है। ओ, सेक्रेटरी। ए भयंकर। अबे कितनी आंटी तो नहीं है, मुझे क्या मालूम, मैंने आज तक सिर्फ चिट्ठिया ही पढ़ी है, शक्ल थोड़ी देखी है। क्या कहना फूसी हो रही है महाराज? कुछ नहीं बीजी, मैं इन लोगों को बता रही थी कि परसों तेरे पति मिले थे ना। ऐसे कैसे मिले थे? उनको तो ऊपर गए 5 साल हो गए। सपने में? अच्छा अच्छा। जब भी सपने में आते हैं ना, इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, क्या बोलूं बीजी। पति मेरे हैं और सपने में आपके आते हैं। साली हूँ ना। अच्छा, स्पेशल रिलेशन होता है। रानी साहिबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आपका अच्छा जाइए जाइए। अरे बीजी तेरा है, रहने दीजिए ना। सॉरी सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है? क्यों? मैं भी ऐसा नकली बहुत कुछ पहनती हूँ। अच्छा अच्छा बीजी। हाँ, बाकी तेरे बाल बच्चे कैसे हैं? अच्छे होंगे, मेरा मतलब मेरे बाल बच्चे है ही नहीं। नहीं है? जहाँ तक मैंने सुना था। हाँ, वो एक बार ऐसे कुछ हुआ था ना, कुछ हुआ था ना, उसी के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा, आपकी मैं भी एक बार ना शादी के बगैर। आप जाइए, आपका आराम की जरूरत है। चलिए ना, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ इधर पूछने दो, इतने दिनों के बाद मिली है। इधर कहाँ रुकी है? आप बेफिक्र रहिए, मैं आप ही के आस पास हूँ। आप जाइए, आस पास हो ना, आस पास के लोगों से जरा बच के रहना। एक से एक भयंकर है साले। सेक्रेटरी, कितनी भयंकर औरत है ये। मैडम, आपकी म्यूजिक टीचर आई हैं। मेरी म्यूजिक टीचर? जी हाँ, म्यूजिक टीचर। तेरे जैसी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ओ संध्या, सोचो तू मिल गई। कौन है आप? मैं डरपोक मेहंदी। डरपोक मेहंदी? वो जो टीवी पे आते हैं ना, दिलेर मेहंदी, वो मेरे सगे बड़े भ्रा है। तू भूल गई? अब भूल गई? हाँ, वो कैसे कैसे गाने सुनाए थे मैंने तेरे को? मुझे प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ाया था, 4.5 बाकी रह गया था, और मैं खुद बस स्टॉप पे छोड़ के आ गई। तेरा सामान मेरे को आ गया, मेरा सामान तेरे को चला गया, और मैं बेवकूफों की तरह देखती रह गई, पता भी नहीं पूछा। और तुम भूल गई, तुझे कुछ याद नहीं, तुझे कुछ याद नहीं। बड़ी बदतमीज औरत है आप, औरत होकर लड़की को आंख मारती है। ओ पागल, मैं आंख थोड़ी मार रही हूँ, मैं आंख थोड़ी मार रही हूँ, आंख पे सूर थे देख के तुझे समझा रही हूँ कि पागल मुझे पहचान ले। और राज कपूर की संगम देखी थी ना, जिस तरह से वो संगम जरूरी था, उसी तरह गोपी और संध्या का संगम भी जरूरी है। समझ ले, समझ ले, समझ लेना। अब कैसे समझाऊं? अब कैसे समझाऊं? अब क्या कपड़े उतार के नाचूंगी तो समझेगी? मैडम, मैडम, वाह वाह वाह, गुरु और चेले में ऐसा अनोखा प्यार हमने पहले कभी नहीं देखा। संध्या, मैं आपकी तरह की बोल रहा हूँ। संध्या, 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 अरे क्या बताऊँ, उस दिन मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए तुम्हें छोड़कर तो आ गया, लेकिन तुमसे तुम्हारा पता ही पूछना भूल गया। और तुमको मालूम है, उस दिन तुमने सड़क के ऊपर नजर भी आई थी। तो फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या बोला था? कुछ बिन बुलाए मेहमान मेरे पीछे पड़ गए। कौन? उनकी छोड़ो और अपनी पकड़ो। संध्या, गोपी, मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ, इस तरह दोबारा छोड़कर मेरी जिंदगी से गायब मत होना। कहाँ कहाँ मैंने तुम्हारा पता नहीं लगाया, कहीं से तुम्हारे कॉलेज का नाम सुन लिया था। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? गुट्टी। हाँ गुट्टी, उस बिचारे ने तुम्हारा एड्रेस दिया, तब जाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन तुमने ये क्या हुलिया बना रखा? क्या बताऊँ, ये हुलिया मेरी तकदीर बनकर मेरी खाल से चिपक गया है। जब भी कहीं काम मांगने जाता हूँ तो औरत का ही रोल मिलता है। नाटक में अनारकली का रोल मिला, दोस्तों से मिलने गया तो उन लोगों ने अपनी आंटी बनाकर मुझे घर में बिठा दिया। उनकी प्यार की नैया तो किनारे लग गई, लेकिन मेरी वाट लग गई। उनके दोनों अंकल मेरे पीछे पड़ गए, कांदापुर की महारानी बना दिया सालों ने। कांदापुर की महारानी? अरे मेरी किस्मत। संध्या, संध्या, लेकिन मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? अब तुम रहोगी, मैं रहूंगा, और हम दोनों के बीच
दूसरा कोई भी नहीं आएगा। अंदर से मर्द की आवाज आ रही है। हाँ आ तो रही है। संध्या दरवाजा खोलो। कौन है तुम्हारे साथ? संध्या मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। संध्या क्या कर रही हो तुम? संध्या दरवाजा खोलो वरना हम लोग तोड़ के अंदर आ जाएंगे। जी डैडी। मालिक पूछ रहे हैं कि तुम अंदर किससे बात कर रही थी? मैं किसी से तो नहीं, किसे तो नहीं। लेकिन अंदर मर्द की आवाज आ रही थी। मर्द की आवाज? अरे वो तो टीवी है। मैं तो अपनी म्यूजिक टीचर के साथ गाने की रिहर्सल कर रही थी। अरे डर दी रब रब कर दी के नी मैं छुई मुई कहाँ है म्यूजिक टीचर? म्यूजिक टीचर मैं इसका डैडी नहीं हूँ, ये इसके डैडी हैं। डैडी, आपकी बेटी बड़ा ही छक्का भागती है, इसके गले में मार दे। मालिक कहते हैं कि ये समझती है कि ये इसके दुश्मन है। इसके अरमानों का खून कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। अब आप ही बताइए, क्या कोई बाप अपनी बेटी के अरमानों का खून कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसा बाप तो खून कर ही नहीं सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से इनको खून नहीं करते हुए देखा है। क्या मेरा मतलब है कि खून कर ही नहीं सकते? तो आप ही इसे समझाइए ना, ये अच्छा लड़का है, नेक है, पढ़ा लिखा है। मैं क्यों समझाने लगी यार? मैं सिर्फ समझा दूंगी, ये बड़ा ही अच्छा लड़का है, एक दिन बड़े घर जाएगा। लेकिन संध्या जो है ना, संध्या अभी मासूम है, इसको असली नकली का कुछ पता नहीं है। मैंने दुनिया देखी हुई है, मैं इसको सब समझा दूंगी। आंटी, हमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद। चलिए संध्या, मैं तुझसे पूछना चाह रही थी कि इन तीनों में से तेरा असली बाप कौन है? चलिए। संध्या मैंने अपनी आंखों से तेरे बाप को किसी का बैंड बजाते हुए देखा है, और तू भी रियाज मत छोड़ना। हाँ वो बहुत जरूरी है अगले के लिए, और मैं फोन पे गल करूंगी तेरे नाल। कौन हो तुम? जी मैं टीवी मैकेनिक हूँ। सुबह आपकी बेटी ने फोन करके कहा था कि 4 दिन से टीवी खराब है। टीवी खराब? जी साहब, मैं उसी को ठीक करने आया हूँ। चलो ये रहा। देखिए साहब, टीवी खराब है। अगर टीवी खराब है तो फिर वो मर्द की आवाज, कहीं वो म्यूजिक टीचर?
पंचाली पंच भद्र का एवे एवे ने उन्मत्ता विशिताट हस्तमल्लू इपड़ु नी वस्त्र अपरण गवच्छता अयो नल्ला अल्लती दानि कानु नल्ला अल्लडु पिट्टकु दैयम गुरु दैयम श्री अदे दूर अयो 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 दूर अपा हेलो हेलो संध्या हेलो मैं गोपी बोल रहा हूँ अरे कभी से फोन ट्राई कर रहा था एंगेज क्यों था अरे वो डैडी फोन पे थे ना खुद बात कर रहे थे नहीं बाबा सेक्रेटरी को इशारा कर रहे थे और वो दूसरी पार्टी से बात कर रहा था अच्छा तुम्हारे अगल बगल में कोई है तो नहीं ना नहीं सब बाहर गए क्यों संध्या मैंने जिस कातिल को खून करते हुए देखा था ना वो कोई और नहीं तुम्हारे डैडी ही है व्हाट गोपी इस बात पे तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो सकता है अरे संध्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा क्या संध्या संध्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूँ गोपी बचपन से मैं उनको गुंगा देखती आ रही हूँ अरे मैं कसम से कहता हूँ यार मैंने उनको बात करते हुए देखा है संध्या संध्या तू सो गई क्या नहीं तुम्हारी बातों पर गौर कर रही हूँ देखो संध्या तुम्हारे ऐतराब बहुत गड़बड़ चल रही है तुम चौका नहीं रहना और अपने बाप की हर हरकत पे ध्यान रखना जान गोपी किधर है अंदर बैठा दारू पी दारू गोपी अबे थोड़ी देर में वो सब लोग आने वाले और तेरे दारू पी ली अरे गोपी गोपी बात तो सुन गोपी प्लीज गोपी रानी साहिबा बेल आ गया बेल रानी साहिबा अरे क्या हुआ रानी साहिबा को इनको अचानक सर में दर्द लाओ मैं सर दबा दूं हाथ नहीं लगाने का इनके पेट में बल पड़ गए मैं पेट में रोड़ दूं हाथ नहीं लगाने का उषा निशा जी चाचा जी चाचा जी अरे देखो क्या हो गया रानी साहिबा को इनके पेट में दुख रहा इनके सर में दर्द हो रहा मैं सर दबा दूं रानी साहिबा और मैं पेट मसल दूं चलो बेडरूम में चलते चलिए बेडरूम की तो मेरा मतलब है कि इतना ज्यादा लफड़ा नहीं है मैं बेडरूम में आराम करती हूँ बेडरूम में चलते हैं वहाँ बहुत मजा आएगा चलते अरे क्या हो गया दीदी महाराज को बैठ लीजिए बैठ आंटी जी के पेट और सर में दर्द है आपकी तारीफ मेरी फूफेरी बहन है इन पे भी नजर है क्या नहीं रानी साहबा हमारे गांव में एक लेडी डॉक्टर हैं उन्हें औरतों की खुफिया बीमारी को बहुत पकड़ को निकालती हैं उनको बुला को लाऊं लेडी डॉक्टर को तो मैं कभी नहीं दिखाऊंगी काहे को मालूम है मैंने मुंबई में एक बार लेडी डॉक्टर को दिखाया तो कहने लगी कि आपको डिलीवरी प्रॉब्लम है डिलीवरी प्रॉब्लम मैंने कहा डिलीवरी नहीं हुई तो प्रॉब्लम कैसा और वही जब मैंने फॉरेन में जेंट्स डॉक्टर को दिखाया तो वो मुझे कहने लगे कि आपको कोई डिलीवरी प्रॉब्लम नहीं है मांगते हैं उतने बच्चे पैदा कर सकती हैं आप क्या खुशखबरी सुनाई जी हरा कर दिया इससे तो कांदा रियासत को उसका चश्मा चिराग उसका वारिस मिल जाएगा इस सिलसिले में मेरी कोई भी खिदमत की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ डंडा पकड़ के बैठ जाइए इस उम्र में ऐसे ख्याल से भी अटैक आता है मेरे को नहीं आता आएगा मैं घी पिया हूँ घी पी तू ए संभाल रे लेकिन हमारे आबा साहेब महाराज को तो लड़का होने की कितनी आरजू थी कौन आबा साहेब कैसा मजाक करती है आप दीदी महाराज आबा साहेब महाराज को आप इतनी जल्दी भूल गई क्यों कौन थे वो आपके पति और कांदा की जनता तो उनको भगवान की तरह पूछती थी बाहर जिनकी होती है पूजा अंदर से वो आदमी होता है दूजा अभी जनता को क्या मालूम कि अंदर वो मेरा क्या हाल करते थे अगर तू उन्हें आपको कैसे सताते थे शराब पी के चाबुक मारते थे शराब मुंह में टपकाते जाते थे और मुझ पे कोड़े बरसाते जाते थे राम 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 मैं ऐसी भयानक बात नहीं सुन सकता देखो कान का एड्रेस भी भूल गए क्या है क्या है ये क्या कह रही है आप दीदी महाराज आबा साहब महाराज और शराब वो तो कभी शराब के बूंद को भी हाथ नहीं लगाते थे तो मैं क्या कह रही हूँ कि वो शराब की बूंद को हाथ लगाते थे डायरेक्ट बोतल मुंह को लगाते थे देखो इनको मर के इतने साल हो गए मगर आज भी उनके मुंह की शराब की बदबू मेरे मुंह से आती है क्या बात कर रहे अगर शक है तो देख लो हाँ
नीट ब्रांडी की महक आ रही है देखो। क्या मतलब? मैं ब्रांडी पीती हूँ? नहीं, ये उनके मुंह की महक है। हाँ। क्या है बे? जाने दो ना मसी। क्यों पुरानी गंदी बातों को खोद रही हो? शराब के अलावा कांदा के महाराज को और क्या क्या शौक थे? शराब के अलावा इनको एक ही शौक था, नाच गाने का। और शराब पीने के बाद वो मेरा ही नाच देखना पसंद करते थे। अच्छा, आप नाचती थी? और अगर नहीं नाचती थी ना, तो वो मुझे कोड़े मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ डालते थे। यहाँ पर मर्द बैठे हैं ना, वरना मैं आपको पीठ खोल के दिखाती, पीछे नहीं देखने का। मैडम, कर्नल साहब आपको गार्डन में याद कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी विजया, संभाल के। हाँ, सबके सब लुचे नंबर वन है। तू अपना ख्याल रख, मैं अपना रख लूंगी। हाँ, रखना। बाय बाय। तुम यही रुको। मैडम, मैडम, हमें नहीं मालूम था आप इतना अच्छा गाती भी हैं और नाचती भी हैं। बस ऐसे देखो, देखो रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी इन्हें रेस्ट करें तो वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी बॉसी के पेट में दर्द है, अगर वो बढ़ गया तो इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सर, उसने फिर भागने की कोशिश की। क्या? अगर इस बार वो भागने की कोशिश करे तो उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। मैं भी कल आकर देखता हूँ कि वो कागजात पर दस्तखत कैसे नहीं करता। हाँ। तने क्या हो गया? क्या हो गया संदेह? तुमने ठीक कहा था, जो मेरे डैडी है ना, मेरे डैडी नहीं है, कोई दूसरे आदमी है। अरे मैं कब से कह रहा हूँ संदेह, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है। आप रामनाथ जी की बेटी है ना? आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने इनको कई बार रामनाथ जी के साथ ऑफिस में आते हुए देखा है। इसका मतलब आपका बॉस और संदेह का बहुरूपिया डैडी दोनों एक ही आदमी है। मैंने उसकी सारी बातें इसमें बंद कर ली है। मैं बोल रहा हूं। क्या? अगर इस बार वो भागने की कोशिश करे तो उसे फौरन गोली मार दो। मैं भी कल आकर देखता हूं कि वो काग। इससे ये साबित होता है कि ये आदमी बोल सकता है और संध्या का डैडी नहीं। हाँ, है। मगर इस बात का पता कैसे लगेगा कि हमारा बंटी और संध्या के डैडी इस वक्त कहाँ है? My dear, परेशान जी। इस वक्त परेशान मैं नहीं, परेशान तुम। वैसे तो मैं कल की शूटिंग के बारे में तुम्हें बताने आया था कि शूटिंग कहाँ है, लेकिन यहाँ तो सीन कुछ और ही चल रहा है, जिसके डायलॉग मैं पूरी तरह सुन चुका हूँ। परेशान जी, वो मेरा भतीजा। भतीजे के बारे में भी सुन चुका हूँ और संध्या के डैडी के बारे में भी सुन चुका हूँ। माय डियर, वैसे तो मैं खुद एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ। मेरी स्टोरी का पता नहीं, फाइनेंस का ठिकाना नहीं, हीरो डेट नहीं दे रहा, हीरोइन कहती है पूरे कपड़े पहनूंगी, लेकिन आज मैं हीरोइन के कपड़ों की परवाह ना करते हुए तुम्हारे लिए इस केस का पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रगलर था। अरे था क्या, हूं, बल्कि रहूंगा। लेकिन तुम पर्दाफाश करोगे कैसे? टेप रिकॉर्डर में टेलीफोन के डायल की आवाज चीख चीख कर कह रही है कि इस नंबर का पता क्या है। मैं कुछ समझा नहीं सर। इस सिचुएशन में तुम कुछ समझ भी नहीं सकते। टेप रिकॉर्डर दिया जाए। ये लीजिए। टेंशन है पर रिवाइंड करना पड़ेगा। हाँ। रिवाइंड हो रहा है। अच्छा, हो गया। प्ले करता हूं जी। प्ले हो रहा है। 8 3 7 5 4 2 2 6 837 54 26। टेप रिकॉर्डर वापस लिया जाए। यह है नंबर, अब इसका पता लगाना है। मगर इसका पता कैसे लगेगा? डायरेक्टर से ज्यादा सवाल ना पूछा जाए, डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाएगा, आगे का सीन डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए होल्ड इट, हैव पेशेंस। टेलीफोन कहां है? इधर, टेलीफोन, टेलीफोन। हेलो, 197 बोल रही है जी। मैं परेशान? जी नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, मेरा नाम परेशान है। क्या आप 837 54 26 का पता बता सकती हैं? हाँ हाँ,
हैं? हो हो बंटे बंटे, ये हरामखोर कहां से आ गए? बंटे 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 मुझे लगता है ये वो जगह ही नहीं है। जूते से मारूंगा, फोन यहाँ से आया तो जगह भी यही होगी ना। मार देना जूता, बंटी का जूता। लगता है बंटी ऊपर है, ऊपर मत देखना। कोई नहीं है भाई, नहीं है यहाँ पर, निकले यहाँ से। आइए भाई साहब, आइए आइए। वो तो सटक गए, लेकिन आप लटक गए भाई साहब। आपका ये बचपन का फैन आपका एक ऑटोग्राफ चाहता है, दे दीजिए ना प्लीज। रुक जाओ सब लोग, वरना बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। आइए आइए रामनाथ जी, आइए। दोस्तों आप हैरान ना हो, ये हैं रामनाथ जी, मेरा हम शकल सीधा सादा भाई, जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था। ये खुश नसीब था क्योंकि मां इसके साथ थी, और मैं बदनसीब, बहुत बदनसीब, क्योंकि मैं जुर्म की आंचल में पला। शराब की भट्टियां लगाना, जुए के अड्डों पर काम करना, खबरें पहुंचाना, यह मेरा बचपन था। चरस, अफीम, गांजा, ड्रग्स, यह मेरी जवानी थी। जब मैं जुर्म की दुनिया के उरूज पर पहुंचा तो पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। भेस बदलकर कानून से बचता बचता मैं राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचा। आखिर एक दिन जब इससे टकराया। रामू, मुझे पुलिस की गोली लगी है, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रामू, मदद तो तुम्हें मेरी करनी होगी, प्यार से या जबरदस्ती। और इस तरह से कल की गुनाहगारी की दुनिया का कमलनाथ, आज की ईमानदारी की दुनिया का रामनाथ बन गया। इसके वफादार कुत्तों को हटाकर उनकी जगह अपने पालतू कुत्तों को बदलते बदलते मैं खुद इतना बदल गया कि आज उधर तुमने मुझे उसके मैनेजर का खून करते हुए देख लिया, और इधर रोज रोज चेक पर साइन करने की बहानेबाजी से तुम्हारे भाई को मुझ पर शक हो गया। बहुत मजबूरी में मुझे इस बच्चे का किडनैप करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा बेवकूफ भाई मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन जा रहा था। लेकिन अब तुम सब मेरे चुंगल में फंस गए हो, और मुझसे पंगा लेने वाला कोई आदमी भी रास नहीं आता। हे भगवान, मुझे माफ कर, आज मेरे हाथों से कई खून होने वाले हैं, मैं मजबूर हूं। हाँ तो भैया खबरदार, विलन ग्रुप हीरो ग्रुप पर अब हावी होना बंद कर दे। उसका रीजन ये है कि पुलिस ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया है। और हाँ एक बात और, कोई भी अपनी
लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि डायरेक्टर क्या करने वाला है। क्या करने वाले हो? नाटक का फाटक बंद नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर गौरव भी कहीं उल्टे पड़े होंगे, जरा उनको भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। थैंक यू। अरेस्ट हिम। गोपी। संध्या, संध्या। गोपी। संध्या, तुम्हारे नकली पिताजी, तुम्हारे असली पिताजी। संध्या, संध्या, मैं तुमसे, संध्या। गोपी। तुम्हें गोपी। गोपी। मेरे से बदला ले लो क्या सालो? अबे तेरा तो हो गया यार। हाँ, हमारा क्या होगा? घबरा मत, मैं आज ही रात को तेरा कल्याण, तेरा भांडू और उस बुड्ढे का चिंच पोखली कर दूंगा।